वहाँ पे महिमा वर्णन कर रहे हैं। फिर जो दो श्लोक में उन्होंने उनके महिमा को वर्णन किया, वो महाविष्णु जगत करता माया ये जैसे जगतदा, कि महाविष्णु ये कौन है अद्वैत आचार्य, ये महाविष्णु जगत करता है, इनके कारण साई विष्णु है, इनके लोम कूप से इनके श्वास प्रश्वास से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजन होता है, सृष्टि होता है, ये महाविष्णु है। तो इनके बारे में विशेष रूप में यहाँ पे बताया गया। देखो इन्होंने जो अद्वैत आचार्य के बारे में गुरुदेव ने एक प्रसंग के ऊपर बोलने के लिए बोले हैं, तो इनका एक प्रसंग है, गुरु जी खुद बता रहे थे पूरी में कि यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया। एक तो चैतन्य चरितमृत का है और एक है चैतन्य भागवत का, दो चीज के ऊपर, दो चीज के ऊपर एक एक उपाख्यान को अगर हम श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जिस समय महाप्रभु ने गया पे जाते हैं और गया पे महाप्रभु जाके बहुत सारे शिक्षा दीक्षा लेके संन्यास लेके फिर वो शांतिपुर आते हैं। अद्वैत आचार्य जो पहले शांतिपुर में रहते थे, तो जिस समय आते थे तो अद्वैत आचार्य उसी समय फूल थाल में धूप दीप लेके कृष्ण को सेवा कर रहे थे कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार का कृष्ण को आरती कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो जिस समय महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ शांतिपुर आते हैं, तो उसी समय अद्वैत आचार्य देखे कि महाप्रभु स्वयं आ रहे हैं, तो महाप्रभु को देख के ही उन्होंने दौड़ के वहां पे उठे, दौड़ के गए और जितने भी पूजा का द्रव्य था वो सब पूजा के द्रव्य को महाप्रभु को आरती करने लगे, महाप्रभु के चरण में पुष्प देने लगे, महाप्रभु को धूप दीप इत्यादि दिखाने लगे। तो वहां पे गदाधर पंडित थे, तो गदाधर पंडित बोलते हैं श्री चैतन्य चरितमृतम का यहाँ पे बता रहे कि हसी बोले गदाधर जीवा कामुड़ाई, गदाधर पंडित बोलते हैं कि हसी बोले गदाधर जीवा कामुड़ाई, कि गदाधर पंडित जैसे जीवा कामुड़ाई बहुत समझ में आ रहे हैं, जीवा के ऐसे काट के कुछ बोल देते हैं तो काट के काट लेते हैं, तो हसी बोले गदाधर जीवा कामुड़ाई बालकर गोसाई मत की कर गोसाई, कि आप तो बालक के भांति इस प्रकार का क्या कर रहे हो, ये जो महाप्रभु है ये अपने यद्यपि अभी तक अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया लेकिन अद्वैत आचार्य जानते हैं स्वयं महाप्रभु है। तो गदाधर पंडित बोलते हैं आप इतने बड़े श्रेष्ठ होकर भी कृष्ण का सेवा पूजा छोड़ करके महाप्रभु का क्यों आरती कर रहे हो। तब वहां पे अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि गदाधर बालक जानी हो कतो दिन, कि गदाधर पंडित तुम अभी नहीं जान सकते हो इनके महिमा, तुम इनके साथ कुछ दिन रहोगे तो कुछ दिन बाद इनके महिमा को तुमको प्रकाशित होगा, इनके महिमा को तुम जान पाओगे। तो इसी प्रकार का गदाधर पंडित ने सबसे पहले ही महाप्रभु का अर्चन किया था, शिक्षा दिया था। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार अद्वैताचार्य महाप्रभु कृष्ण आने से पहले अपने सारे धाम को अपने सारे के सारे पार्षद को इस जगत में भेजते हैं। जब कृष्ण आते हैं तो स्वपार्षद सुयधाम सह अवतरी, महाप्रभु जब आते हैं अपने सारे के सारे पार्षद को लेके इस जगधरा धाम में आते हैं। तो महाप्रभु के आने से लगभग 35 वर्ष पहले ही अद्वैताचार्य नामाचार्य हरिदास ठाकुर बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद आ चुके थे। कुछ तो महाप्रभु के गुरुवर्ग है और कुछ महाप्रभु के माता पिता है। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार के माधव ईश्वरपुरी सच्ची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हो सही बार, ये पांच लोग जो है ये महाप्रभु आने से पहले आ गए थे। कौन है कि इन्होंने ये जो इस प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि एक कुछ इनके माता पिता है और कुछ इनके गुरुवर्ग है, माधवेंद्रपुरी पाद ईश्वरपुरी पाद इनके गुरुवर्ग है, अद्वैत आचार्य इनके गुरुवर्ग है और सची माता और जगन्नाथ मिश्र इनके माता पिता है। तो महाप्रभु आने से पहले ही इन्होंने महाप्रभु के लीला को पुष्टि करने के लिए महाप्रभु इनको भेजे थे इस जगत पे। तब जिस समय अद्वैताचार्य देखते अद्वैताचार्य हृदय बड़े करुणामय अद्वैताचार्य के हृदय, बोले इस समय अद्वैताचार्य को क्या जाता था, गुरुजी बता रहे हैं अद्वैताचार्य को क्या जाता था कि ओ क्यों तुलसी दल लेके महाप्रभु को बुलाए, क्योंकि ये कौन है कि ये है सारे के सारे विश्व के सृष्टि करता है, इनके भगवान के प्रेरणा से ये सारे के सारे विश्व को सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं,
जब यहाँ पे देखा गया जिस प्रकार का गुर्दे बोलते हैं ना कि जो अपसंप्रदाय घुस गए, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी इस प्रकार के कुछ अपसंप्रदाय है, कोई कुत्ता कुत्ती से शादी कर रहे, बिल्ला बिल्ली से शादी कर रहे, इससे प्रकार का आनंद ले रहे हैं, अपसिद्धांत को जगत में प्रकाशित कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े दुखी होकर महाप्रभु को वहां पे स्तुति करते हैं, बोलते हैं प्रभु आप खुद आओगे, नहीं तो मैं चतुर्भुज रूप धारण करके इसको सबको प्रलय कर दूंगा। तो किस प्रकार जब इन्होंने महाप्रभु से पहले 35 साल पहले आए, तो अद्वैताचार्य कौन है, अद्वैताचार्य के गुरुदेव है कौन, माधवेंद्र पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद कौन है, माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो अद्वैताचार्य कौन है, महाप्रभु के गुरुवर्ग के दृष्टि में देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद से कृपा करके इनसे दीक्षा आदि मंत्र लिए थे। और अद्वैताचार्य एक दृष्टिकोण में देखेंगे तो ये माधवेंद्र पुरीपाद और ईश्वर पुरीपाद इनके गुरुवर्ग है। तो एक दृष्टिकोण में देखा जाएगा तो महाप्रभु अद्वैताचार्य के गुरुदेव है। फिर यहाँ पे अद्वैताचार्य जब इस प्रकार का महाप्रभु को आरती करते हैं, फूल देते हैं, तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता, महाप्रभु को कभी भी अच्छा नहीं लगता, महाप्रभु उनको स्तुति करते हैं, महाप्रभु उनको ध्यान करते हैं, बोले आप तो मेरे गुरुवर्ग हो, श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बता रहे हैं कि आप तो मेरे गुरुवर्ग हो, गुरुवर्ग के समान हो, लेकिन आप मुझे क्यों इस प्रकार का लज्जित कर देते हो। लेकिन अद्वैताचार्य ये सब देख के ना उनकी इच्छा होता है कि वो महाप्रभु को सेवा करे, महाप्रभु को आरती पुष्पांजलि दे, लेकिन वो दे नहीं पाते क्योंकि महाप्रभु मर्यादा में रह के उनको उल्लंघन करने नहीं देते। तो इसी प्रकार का अद्वैताचार्य ने सोच लिया कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जैसे महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करे। तो उन्होंने फिर सोच के जो गीता भागवत जो है उनमें गीता और भागवत शास्त्र को भक्ति परक व्याख्या को छोड़ के ज्ञान परक व्याख्या कर दिया। हमारे सारे के सारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के एकमात्र उद्देश्य और उपाय है वो है भक्ति, भक्ति के भक्ति वश भगवान, भक्ति के द्वारा ही ठाकुर जी वशीभूत होते हैं। ये चीज अद्वैताचार्य जानते हुए भी गीता भागवत और सारे के सारे शास्त्रों को ज्ञान परक व्याख्या किया, जी प्रभु ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होगा, ज्ञान में ही ऐसे होता है, तो ज्ञान परक व्याख्या किया। तो ज्ञान परक जब व्याख्या किया तो महाप्रभु को बड़े क्रोध आया, लेकिन क्या कर रहा है, ज्ञान का व्याख्या कर रहा है, भक्ति को व्याख्या छोड़ के ज्ञान का व्याख्या। तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गंगा पार हुए, बोलते हैं वहां पे वृंदावन दास ठाकुर अपने कुछ प्यार याद नहीं आ रहे, वहां पे बोलने की वृंदावन दास ठाकुर बोलने की पूरा तहर तहर के पानी में तहर तहर के पूरा वहां पे आए और महाप्रभु सुनने लगे। तो सुने कि महाप्रभु देखे कि अद्वैताचार्य जो भक्ति परक व्याख्या को छोड़ के ज्ञान परक व्याख्या कर रहे हैं, तब महाप्रभु उनको चोटी को पकड़ते हैं थे, बोले बोलो भक्ति कैसे प्राप्त होगा। तो अद्वैताचार्य सब जानते हैं, सब जानते हुए भी उनको कृपा उनको चाहिए, महाप्रभु की कृपा चाहिए। तो इसीलिए अद्वैताचार्य ने बोल दिया, अद्वैताचार्य ठाकुर ने बोल दिया कि हमको ज्ञान से भक्ति प्राप्त होगा। तब जब ऐसे इतना बोलते हैं, जब इतना बोलते ही महाप्रभु उनके वक्ष स्थल पे आ जाते हैं और उनको गुलचा मारते हैं, उनको ऐसे वक्ष स्थल पे ऐसे मारते हैं, गुलचा मारते हैं। तो वहां पे जो सीता देवी थी जो उनके पत्नी, वो बोलते हैं देखो अरे अरे ये तो अभी चले जाएंगे, ये बूढ़ा बूढ़ा है, ये वृद्धावस्था है, थोड़ा इधर उधर अगर लग गया तो हरिबोल हो जाएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ ये अभी वृद्धावस्था में है। तब जिस समय महाप्रभु फिर उनको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद अद्वैताचार्य महाप्रभु को प्रणाम करके बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े उदंड करने लगते हैं। तो सब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप उदंड क्यों कर रहे हो, या कीर्तन क्यों कर रहे हो। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य बोलते हैं कि कहाँ गए तुम्हारे स्तुति, हाँ कहाँ गए, तुम मुझे मानते थे गुरुवर्ग, अब कहाँ गए, कहाँ है तुम, मेरे ऊपर बैठ गए और मुझे शासन करने लगे। प्रभु मैं तो यही चाहता था कि आप मुझे शासन करें, आप मुझे अपने चरणों का सेवा दे। तो किस प्रकार का अद्वैताचार्य का विचार था, तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं कि जो ज्ञान का चीज है, देखो अद्वैताचार्य कौन है, जानते हुए भी ज्ञान का इसमें शिक्षा देने के लिए जो ज्ञान तत्व को ज्ञान परक व्याख्या कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु उसको आके खंडन करके बोले नहीं, भक्ति का व्याख्या करो, भक्ति के द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं।
तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस जगत में, सिंपली में अगर श्रवण करेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि जगत में बहुत सारे लोग हैं जो कोई योग मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई कर्म मार्ग से वो भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए चाहते हैं फिर भी कर नहीं पाते हैं। बोले क्यों कर नहीं पाते? क्योंकि ठाकुर जी करने नहीं देते। वो ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, फिर भी ठाकुर जी करने नहीं, ठाकुर जी उनके ऊपर आके गुलचा मार देते हैं। बोलते तुम ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त करोगे? बोले कभी कर नहीं सकते। योग के द्वारा भक्ति प्राप्त करोगे? बोले कभी कर नहीं सकते। भक्ति तो केवल भगवान के भक्त के द्वारा, और जो भक्ति है वो वास्तव में भगवत भक्ति के द्वारा ही उसी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, उसी भगवत प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार का अद्वैत आचार्य का विचार है। और एक घटना है कि अद्वैत आचार्य जब बचपन में छोटे थे तो जीत जीत हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा अभी बोल श्री कृष्ण नारायण गोस्वामी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी श्रोत शिष्य गोस्वामी महाराज जी के अभी चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनशन कहते हैं कि कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के अभी चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनशन की हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पंच तत्व और उसमें मुख्य रूप से श्री अद्वैताचार्य जी, जिनका आज हम शुभ आविर्भाव तिथि यहाँ महोत्सव मना रहे हैं, उनके चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी कृपा बल कुछ चित बल प्रदान करें जिससे साधन भजन में आगे बढ़ पाऊँ। मंच आचार्य कुछ बात भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभी चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। वह अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। पूर्व वक्ताओं ने क्या बोला है सुन नहीं पाया, हो सकता है कुछ कुछ बातें रिपीट हो जाए। उनके जन्म के संबंध में हमने सुना ही होगा कि वैष्णव विचार से उनका जो जन्म स्थान है, कुछ वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि नवग्राम सियालेट जिले बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ और वो बाद में शांतिपुर आ गए और श्री कुबेर पंडित जी और नाभा देवी को आश्रय करते हुए अद्वैताचार्य जी इस धराधाम पर आए। जो अद्वैताचार्य तत्व है ये क्या तत्व है? बड़ा ही गूढ़ तत्व है। मुझ जैसे जीव को भी समझ पाए के लिए भी समझ पाना ये बहुत ही दुश्मन है, परंतु जो वैष्णवों से जैसा श्रवण किया है वो कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इन्हें कहा जाता है महाविष्णु या सदाशिव का अवतार। तो श्रील गुरुदेव इस विषय में बोलते हैं कि जो महाविष्णु है वो कौन है? वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ही जो आगे का एक्सपेंशन या जो प्रकाश है, कौन? श्री बलदेव प्रभु, उन्हीं के ही अंश के प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, उसमें फिर वो महाविष्णु। तो महाविष्णु का जो मुख्य कारण है, जो वो जो अवतार है, वो है सृष्टि लीला के लिए। इसके लिए सृष्टि लीला के लिए। और महाविष्णु कौन है? वो विष्णु तत्व है, वो स्वयं भगवान है, वो जो इस सृष्टि को, इस जगत को, जो शक्ति, भगवान की शक्ति जो इस जगत का निर्माण कार्य कर रही है, जो इसको देख रही है, जो इस जड़ जगत को देख रही है, वो कौन है? वो माया शक्ति। तो महाविष्णु भगवान है। भगवान माया शक्ति से सीधा संपर्क नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सीधा संपर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जड़ शक्ति क्या है, ये जो माया शक्ति है, जड़ शक्ति है, इससे सीधा संपर्क नहीं करते। तो इसीलिए इसी के बारे में श्रील गुरुदेव बोलते हैं, या जो मैंने अपनी मोटी बुद्धि से समझा महाराज जी
इसको ठीक कर देंगे अगर मैंने गलत समझा होगा। तो कह रहे हैं कि जो सृष्टि लीला हो रही है उसके कारण है, सृष्टि लीला का जो कारण है उसमें दो कारण ले लिए गए, एक कारण जिसको बोला गया निमित्त कारण और एक बोला उपादान कारण। पहले एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से हम समझने की चेष्टा करेंगे कि जैसे एक कुर्ता बनाना है, अब कुर्ता कौन सिल रहा है? टेलर। टेलर अपनी इच्छा से कुर्ता बनाता है, अपना डिजाइन सेट करता है, अपनी इच्छा से कुर्ता बनाता है। कुर्ता बनता किसका है? क्या क्या लगेगा कुर्ते में? कपड़ा लगेगा, और क्या लगेगा? धागा लगेगा, और क्या लगेगा? बटन लगेगा, और क्या लगेगा? और बक्कल लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये सब चीजें कुर्ते में रहेंगी, और एक सिलाई मशीन भी चाहिए, एक सिलाई मशीन भी चाहिए उसको सिलने के लिए। पर जब कुर्ता बनके तैयार है, क्या अब उसमें सिलाई मशीन या टेलर दिखाई दे रहा है? अब उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? केवल कपड़ा, ठीक है, बटन दिख रहा है, धागा भी उसके अंदर है, तो मतलब वो वस्तुएं उसके अंदर है। तो इसीलिए अब उस कुर्ते से हम समझेंगे कुर्ते की सृष्टि हुई या कुर्ते का निर्माण हुआ। तो एक कारण रहा वो टेलर, ठीक है, टेलर उसकी इच्छा से वो कुर्ता बना, और दूसरा कारण जिससे वो कुर्ता बना हुआ है वो है वो कपड़ा, वो बटन, वो धागा, जो कि क्या बोल देते हैं हम, वो सामग्री जिससे वो बना है और जो उस कुर्ते में भी दिखाई दे रही है। टेलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक कारण क्या है उस कुर्ते का बनने का? टेलर हो गया। और दूसरा कारण उस कुर्ते किससे बना हुआ है? वो उस इंग्रेडिएंट से, जिसको कि हिंदी में बोल दिया गया उपादान कारण। ऐसे ही इस जगत में क्या हुआ? ये जगत की सृष्टि तो हुई, और ये जगत को बोला गया भगवान से अभिन्न है। तो कैसे अभिन्न है इसको समझना पड़ेगा कि पहले तो एक कारण हो गया निमित्त कारण, वो क्या है? वो महाविष्णु जिनकी इच्छा हुई कि सृष्टि होनी चाहिए आगे। तो ये जगत का एक उनका निमित्त कारण कौन है? महाविष्णु जी, जो किस रूप में? जो केवल इच्छा मात्र कर रहे हैं, जिनकी इच्छा हो रही है, एक प्रकार से टेलर हो गए। जगत में महाविष्णु दिख नहीं रहे हैं, ये जगत महाविष्णु से बना नहीं हुआ है, ठीक है ना? परंतु वही महाविष्णु का एक अंश सदाशिव जो अवतार है, वो विष्णु तत्व ही है, वो भगवत तत्व ही है। वह क्या कर रहे हैं? इसीलिए क्या कर रहे हैं, हमने ये कई बार सुना होगा कि जगत की सृष्टि में क्या हुआ कि महाविष्णु इक्षण करते हैं माया पे, और माया में शोभ उत्पन्न होता है, और माया क्या करती है? जड़िये तत्वों का, जड़िये तत्व महत्व तत्व प्रदान करती है ना। 24 तत्व जो हम सुनते हैं, पांच क्या है? पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच उनके विषय जिनको हम क्या बोलते हैं, तन्मात्राएं, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये 24 जड़ीय तत्व वो दे रही है। तो ये जो इक्षण है, अगर सरल रूप से समझें, ये इक्षण जो माया के संपर्क में आ रहा है, यही तत्व कौन है? यही तत्व है ये सदाशिव तत्व जो उस माया के संपर्क में है। भगवान महाविष्णु या भगवान स्वयं माया के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, ये उनके संपर्क में। और इसी से क्या हो रहा है, इस जड़ जगत की जितने ये तत्व आ रहे हैं, ये वहीं से, उन्हीं से ही आ गए। तो ये तत्व इसी जड़ जगत में हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से हमें ये क्या लग रहा है, अरे सब कुछ तो जड़ है, तो ये भगवान कैसे हो गया, ये भगवान कैसे हो गया? परंतु क्या है, वो इन्ग्रीडियंट्स भी कहां से आए? वो स्वयं वहीं से ही आए, भगवान ने ही एक रूप एक अंश में उन इंग्रेडिएंट्स को दिया है। तो वो क्या हो गया, वो उपादान कारण। तो सदाशिव रूप में अद्वैताचार्य जी कौन है, ये कौन है? ये उपादान कारण इस सृष्टि के। एक बहुत जो मुख्य बात है जो मेरे साथ, ये तो तत्व सिद्धांत वाली बात हुई कि ये तत्व है क्या, और फिर अद्वैताचार्य जी की तिथि पे, इस आविर्भाव तिथि पे हम व्रत क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम तो केवल विष्णु तत्व का ही तो व्रत रखते हैं, मतलब भगवत तत्व का, भगवत तिथि का। तो इसी से यहाँ समझ में आ रहा है कि ये कौन है, ये भगवत तत्व ही है, ये उनके अंश हैं। इसी वजह से हम इस क्या कर रहे हैं, इस तिथि का व्रत रूप में पालन कर रहे हैं। ये भगवत तत्व है, भगवान से अभिन्न है।
एक जो मुख्य बात जो मेरे जैसे साधक को अपने हृदय में सदैव रखनी चाहिए कि श्रीमन महाप्रभु इस धरा धाम पे आविर्भूत हुए आए, किसने बुलाया उनको। ठीक है, वो कृष्ण के हृदय में कुछ इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि वो राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, वो मधुरिमा क्या है, वो क्या कैसा वो प्रेम है राधा रानी का, वो सब कृष्ण के हृदय की इच्छाएं थी। पर क्या वो डिसाइडेड था कि हाँ भाई मैं अभी जाके कर लूंगा? नहीं। तो उनको उनके धाम से, जो बांग्ला में प्यार है मुझे याद नहीं है, वो कह रहे थे कि मैं तो वैकुंठ में सो रहा था, इस नाड़े ने आवाज लगा लगा के मुझे जल्दी बुला लिया, मैं तो आराम से वैकुंठ में था और इसी ने ही आवाज लगा के। तो क्या है, ऐसे जो श्री अद्वैताचार्य जी हैं, मुझे हम उनसे ये प्रार्थना, अरे हमें तो ऐसी हुंकार लगानी आती नहीं, ऐसी हमें सेवा करनी आती नहीं, हम आपका चरणाश्रय करते हैं, आप ही हम पे कृपा करो कि क्या हो। और देखना, महाप्रभु क्या अकेले आए? महाप्रभु क्या अकेले आए? नहीं, सौ परिकर, जो हम उनका कीर्तन आज कर रहे थे, सुबह भी हुआ, शाम को भी करने का प्रयास कर रहे थे, उस कीर्तन में क्या कह रहे हैं लोचन दास ठाकुर जी भी, क्या कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपकी वजह से स्वजन महाप्रभु कि क्या है, अपने सभी निज जनों के साथ, अपने सभी एसोसिएट्स के साथ, और कैसे एसोसिएट्स, कैसे परिकर, केवल कृष्ण लीला के परिकर नहीं, रामलीला समस्त लीला के परिकरों को सबको लेके आ गए। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु इस बद्ध जीव के हृदय में भी आविर्भूत हो, तात्पर्य उस गौर वाणी महाप्रभु के उन भावों का, उन सिद्धांतों का, उन विचारों का मेरे हृदय में भी उदय हो। ये हृदय कैसा है, मरुभूमि हो चुका है, इतनी तपती गर्मी है, 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उसमें पानी, एक बूंद पानी कितनी देर तक टिकेगा? तो वो भक्ति, जो सुकोमल भक्ति है, वो सुकुमारी ऐसी मरुभूमि में टिक नहीं पा रही है, कांटे कीलों से ये बिछा हुआ है, क्या मतलब संसारिक इच्छाओं से भरा हुआ है। हे सदाशिव प्रभु, हे अद्वैताचार्य, आप ही कृपा करें, आपका चरणाश्रय हम लेते हैं, आप ही कृपा से क्या होगा। तब कृष्ण, अरे तब कृपा बोले भाई श्री चैतन्य निताई कि आपकी ही कृपा से वो पहले क्या होगा, पहले गुरु रूप में जो अखंड गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु आएंगे, तो पहले क्या होगी मेरी, पहले मेरी गुरु वैष्णव के प्रति निष्ठा होगी, पहले उनके प्रति मेरी वही श्रद्धा निष्ठा रुचि, पहले उन गुरु वैष्णव के प्रति मेरी प्रीति होगी, उन्हीं के ही प्रति मेरा सेवा भाव उत्पन्न हो, और वही क्या होगा, बढ़ते बढ़ते वही गुरु वैष्णव उसको क्या करेंगे, श्री राधा गोविंद के चरणों में, श्रीमन महाप्रभु के चरणों में वह अर्पण कर देंगे। तो यही प्रार्थना करते हुए हे अद्वैताचार्य, पुनः पुनः हम आपके चरणाश्रय ग्रहण का प्रयास करते हैं, आप हम पे कृपा करें कि गुरु वैष्णवों के चरणों में हमारी प्रीति हो, अनुरक्ति हो, और वही पुनः आगे बढ़ते बढ़ते श्री गौर नित्यानंद प्रभु और आगे श्री राधा गोविंद की निकुंज लीलाओं में प्रवेश प्रदान करें। गौर प्रेमानंदो अद्वैताचार्य प्रभु की। अनिरुद्ध प्रभु जी, अनिरुद्ध जी है, अनिरुद्ध, ओ अनिरुद्ध कहाँ है, किधर बैठा, तो इधर आ जा, आ जा, आ जा, हाँ कुछ बोल, 25 तैयारी कर रहा है, आ जाओ, 2 मिनट बोल कर जाओ, मैं तो कुछ भी बोल कर जाओ। दामोदर प्रभु जी, हाँ बोलोगे, डेढ़ साल बाद में बोलेगा, क्या पकौड़ी बना रहे हो, आ जाओ। हरे कृष्ण, कहाँ गए, आ जा, नहीं करंट नहीं है, वो आवाज कर रहा हूँ। गॉड डीला ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री अद्वैताचार्य जी की। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्कृष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदम मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित प्रजपाजीत प्रभु वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज अद्वैत आचार्य जी की आज जन्मतिथि अद्वैत सप्तमी है और हम लोग सब नोएडा में बैठ करके यहाँ पर मठ में उसके उनके विषय में कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है, मैं भी जस्ते से पहुँच ही गया। गुरु जी ने आज्ञा दी है, मैं यद्यपि इतना नहीं जानता लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं सुन रहा था उसे पढ़ रहा था उसे बताने की मैं चेष्टा करूँगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले श्री गुरुदेव जी का एक आर्टिकल है प्योर भक्ति को, उसमें से जो पढ़ा उसी में से बताऊँगा। उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि अद्वैत आचार्य जी जो है उनकी सारी ही क्रियाओं को समझना कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जब उन्होंने महाप्रभु को बुलाया, जैसे महाप्रभु के आने के कारण है मुख्य कारण और गौण कारण, और मुख्य के अंदर में भी मुख्य का मुख्य है, मुख्य का गौण है, और गौण के अंदर भी गौण का मुख्य और गौण का गौण है। उसमें जो गौण का मुख्य कारण है उसके कारण बताया। अद्वैत आचार्य जी का निमंत्रण देने पर श्रीमान महाप्रभु यहाँ पर आ गए, तो भगवान को तो आना ही था, है ना। जब स्वयं आते हैं तो उसके अगले हरि बोल हाँ, तो फिर तो महाप्रभु आएंगे ही आएंगे, है ना। कलयुग के अंदर जब द्वापर में कृष्ण आएंगे तो महाप्रभु आएंगे। तो अद्वैताचार्य जी ने जो निमंत्रण दिया फिर उसका क्या महत्व है। अद्वैताचार्य जी ने जो महाप्रभु को आह्वान करके जो बुलाया है, जो इन्होंने जो हुंकार भरी अद्वैताचार्य जी ने कि कृष्ण स्वयं आ गए, राधा भाव ज्योति सुवलित नौमी कृष्ण स्वरूप, राधा भाव को लेकर के कृष्ण स्वयं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बन करके आ गए हैं, तो ऐसा क्या हुआ। बोले कृष्ण तो आते लेकिन बताया कलयुग के अंत में आते, बाद में आते, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने जो तुलसी पत्र और ये जो गंगा जल दे करके तुलसी दल मात्र न जले न चुलकेनवा इसको दे करके जो निमंत्रण दिया, महाप्रभु को आना ही पड़ा। इसलिए अभी हम लोग बैठ करके या महाप्रभु की लीला उनके सारे परिकरों की लीला बैठ करके उसी परंपरा में आगे चल के प्रभुपाद गुरुदेव हम लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये सब किसकी कृपा है। ये सब अद्वैताचार्य जी की कृपा है, वरना हम तो मर जाते, वो बाद में आते महाप्रभु। तो पहले किसने बुलाया, अद्वैताचार्य जी, तभी तो इतनी सुंदर सुंदर लीला हम श्रवण कर पा रहे ना, किसकी कृपा है, अद्वैताचार्य जी। इसीलिए इनका बहुत बहुत अवदान है हमारे ऊपर में। इसीलिए जब भी जब कीर्तन होगा उसमें इनके से भी प्रार्थना करी जाएगी कि आप भी हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। फिर बताया कि महाप्रभु को बुलाया, लेकिन जब महाप्रभु का जाने का समय आया, जब भी इन्होंने चिट्ठी लिख करके खर्चा देकर के भेजा, उसी को पढ़ वो किसी के समझ में नहीं आई, वो अंत तक किसको समझ में आई, जिसके लिए वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने उसे पढ़ा और अति गंभीर होकर के वहां से लीला स्मरण करना चालू कर। इसलिए अद्वैताचार्य जी जो है वो जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। एक और किस ट्रिकी और इनकी जो लीला जो किसी को ग्लोरीफाई करने का तरीका है वो भी बड़ा अजीब है अद्वैताचार्य जी का। वहां पर एक प्रसंग था छोटा सा, उसमें बताया कि आप सभी ने कथा सुनी होगी जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि आप घर घर जाओ, क्या करो, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अब घर घर जाकर के ये करो, सबको हरिनाम दे दो। अब कौन कौन गए हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। जब दोनों गए, देखो यहाँ पर तरीका कैसे, जब दोनों गए हैं वहां प्रचार करने के लिए,
तो सब जगह तो जाकर देते थे, लेकिन दो बड़े भयानक वहां पे क्रूर राक्षस थे। कौन थे? जगाई और मदाई। वो इतने भयानक, इतने खतरनाक थे कि उनके पास कोई ये सब बात कर दे तो वो मारने को दौड़ते थे, मारने को दौड़ते थे। अब जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाने लगे वहां पर, तो हरिदास ठाकुर जो है मना कर रहे हैं, बोला ओ प्रभु वहां मत जाओ, वहां जाएंगे तो क्या होगा, ये जगाई मदाई हम तो क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु वहां नहीं माने, नहीं माने, बोला मुझे तो महाप्रभु ने आज्ञा दी है। और हरिदास ठाकुर को समझा रहे, क्या बोल रहे, बोला देखो हम थोड़ा आगे चलेंगे और इससे ये भी पता चल जाएगा कि महाप्रभु भगवान है भी कि नहीं, चलो चल के चेक कर लेते हैं। हरिदास ठाकुर बोल रहे, बोले क्या, बोले हाँ, बोले महाप्रभु ने क्या बोला है, जाओ घर घर जाकर के हरिनाम लेने का बोलो, जो हरिनाम नहीं लेकर क्या करूंगा, चक्र लेकर उसे काट दूंगा। बोला हम जाकर के देखेंगे, जगाई मदाई को बोलेंगे, और अगर वो नहीं बोले तो महाप्रभु क्या करेंगे, उनको काट देंगे, सबको पता चल जाएगा महाप्रभु कौन है, भगवान। तो हरिदास ठाकुर जी बोल हाँ हाँ चलो चलो। जब चले वहां जाकर हरिदास ठाकुर थोड़ा दूर खड़े हो गए, क्यों, डर के मारे, क्योंकि वो तो खतरनाक है दोनों। नित्यानंद प्रभु ने जाकर के बोला ओ जगाई ओ मदाई बोलो हरे कृष्णा। वो तो इतना गुस्सा, वो तो जो पिए थे वो तो भागे मारने, और वो भागे मारने, हरिदास ठाकुर दूर खड़े थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से आगे भाग गए, और ये बूढ़े पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, वो भाग करके तो नित्यानंद प्रभु तो पार नदी के, हरिदास ठाकुर हाँपते 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 जैसे तैसे नदी किनारे पहुंचे, देखा तो पीछे आ ही रहे वो मारने के लिए। जैसे तैसे पहुंचे, फिर जब पहुंच गए ना हाँपते हाँपते कहाँ पहुंच गए, सीधा अद्वैताचार्य जी के पास में। अद्वैताचार्य जी के पास में जाकर क्या बोला, बोला उन्होंने बोला इतने इतने हाँप क्यों रहे हो भाई, क्या हो गया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था, नित्यानंद प्रभु ले गए वहां जाके जगाई मदाई, वो हमारे पीछे पड़ गए, और बड़ी मुश्किल से मैं तो जान बचा करके यहाँ पे पहुंचा, सांस पूरी फूल गई है, मरते मरते बचे, वो तो महाप्रभु की कृपा थी जो प्राण बच गए, नहीं तो आज तो वो मार देते हम लोगों को। अद्वैताचार्य जी बोले, बोला देखा मैंने पहले ही बोला था एक के साथ में मत रहा करो, नित्यानंद प्रभु के साथ में मत रहा करो, वो दोनों तो पीने वाले हैं, ये भी पियक्कड़ है। और बोले जिन्होंने तुम्हें भेजा वो भी पियक्कड़ है, और देखना एक दिन ये चारों बैठ करके पिएंगे, क्या करेंगे चारों बैठ करके। अब देखो साधारण आदमी की बस की बात नहीं इसको समझना, यहाँ अद्वैताचार्य जी क्या बोल रहे, वो जगाई मदाई पियक्कड़ है, वो क्या जानते हैं ऑलरेडी कि जगाई मदाई कौन है, भगवान के परिकर है, और नित्यानंद प्रभु कौन है, ये और बड़े पियक्कड़ है, क्या करते हैं ये सदा क्या करते हैं, भज गौरांग लभ गौरांग प्रभु गौरांग रे नाम रे, जय जन गौरांग नाम लाय से हो अमर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु हमेशा क्या करते हैं, ये गौर महाप्रभु के कीर्तन रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए बड़े पियक्कड़ कौन हो गए, नित्यानंद प्रभु। और उनसे भी बड़े पियक्कड़ कौन है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो किसको आस्वादन कर रहे हैं, वो कृष्ण के प्रेम रस को नित्य आस्वादन कर रहे हैं। अद्वैताचार्य ने क्या बोला था कि देखना आगे चल के चारों एक साथ में बैठ कर क्या करेंगे, पिएंगे। और सच में बाद में क्या हुआ, जब महाप्रभु की कृपा हो गई उनके ऊपर में, तब साथ में बैठ करके दोनों हाथ उठा करके निताई 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 गौरांग। हम लोग नवदीप जाते हैं ना, आप में से सब कौन कौन नवदीप चल रहे, हाथ उठा, जो लोग नवदीप नहीं चल रहे वो भी चलो, वहां पे ये सारे स्थान है, शांतिपुर हमारे गुरुदेव लेकर के जाते हैं, वहां अद्वैताचार्य जी का वही स्थान है जहां पर उन्होंने गंगा जल और तुलसी दल लेकर के महाप्रभु को बुलाया था, बड़ा सुंदर वो स्थान है, आम का बगीचा है, सारे वैष्णव नाश्ते गाते जाते हैं। इसीलिए आज अद्वैताचार्य जी की आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर में कृपा करेंगे, तभी नित्यानंद प्रभु के अभिन्न स्वरूप गुरुदेव को हम समझ पाएंगे, उनके मनोभीष्ट को थोड़ा बहुत जान करके सेवा करने की चेष्टा आगे हम कर सकते हैं, बोल करके भगवान को विराम देता मम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतयुगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तदुपरांत शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पूज्य पाद जीत प्रभु उपस्थित धातुवास के भक्तवृंद सबके चरणों में उठाए प्रणाम करता हूँ। बहुत सारा बोल गया और मुझे तो कुछ बहुत अच्छे की याद नहीं, मैंने हमेशा ये कि इन इसमें मैं कथा बोलता हूँ, पता नहीं कोई पहले बोला नहीं बोलो वैष्णव अपराध मेरी आदत है ना, जो मैं करता हूँ वही बोल सकता हूँ। तो श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के द्वारा महाप्रभु की लीला में यह दिखाया गया कि यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध हो जाता है तो भगवान सब कुछ तो क्षमा कर सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते, वैष्णव अपराध क्षमा नहीं कर सकते। और देखो वो वाकई में वैष्णव अपराध हुआ भी नहीं और देखने में लग रहा है कि हुआ है, दोनों स्थिति है। तो जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जी कहां जाते हैं कथा सुनने के लिए, कहां जाते थे, श्री अद्वैत आचार्य के पास, और वो सुना उन्होंने संसार असार है कुछ है नहीं, तो थोड़े दिन जैसे हुआ एक तो सचिव माता के पहले ही जगन्नाथ मिश्र जी जगत से चले गए, बहुत वृद्धावस्था कोई और घर में कोई है नहीं, बहुत ही ज्यादा धन स्थिति हर चीज की कमी है। तो क्या हुआ, जैसे ही महाप्रभु थोड़े से बड़े हुए विश्वरूप जी क्या हो गए, वो घर से संन्यास लेकर के चले गए। अभी बच्चे चैतन्य महाप्रभु तो शुरू में तो चलो बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी कहां जाने लगे, कथा श्रवण करने के लिए, वो भी अद्वैत आचार्य प्रभु के पास जाने लगे। अभी तो सची मैया को लगा और वो घर में कुछ ज्यादा मन भी नहीं लग रहा, तो उनको लगा कि अब ये भी जो है अधिक समय रहेगा नहीं, एक से संग जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये अद्वैत अद्वैत नहीं है, ये क्या है, द्वैत है, उसका नाम गलत रखा, किंतु स्पष्ट रूप में देखेंगे तो वो सच में द्वैत है, वो महाविष्णु सदा से है तो द्वैत ही, किंतु एक रूप में क्या है, श्री अद्वैत आचार्य अद्वैत है, तो वो अद्वैत है। अब जब सची माता ने सिर्फ इतना ही बोला और कोई उनके सामने नहीं बोला, सिर्फ मन में ऐसा विचार किया और ये सब चीजों को बोल दिया, किंतु महाप्रभु इस अपराध को क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। और जब महाप्रभु शांतिपुर में आए तो सबको दर्शन दे रहे, पर किसको दर्शन नहीं दे रहे, श्री सची मैया को दर्शन नहीं दे रहे। तो सब लोगों ने कहा कि महाप्रभु आप सब पर कृपा कर रहे हैं लेकिन आप सची मैया पर कृपा नहीं कर रहे। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि मैं सब कुछ तो क्षमा कर सकता हूँ, परंतु कोई व्यक्ति यदि वैष्णव अपराध करे तो उसको मैं अपना मुख दर्शन कभी नहीं कर सकता, उसका दर्शन करता हूँ ना कराता हूँ। तो अभी सबने बताया सची मैया से क्या अपराध हुआ, उन्होंने बताया, तो बोले अपराध कैसे दूर होगा, बोले यदि सची मैया इस अपराध के लिए उनसे क्षमा मांग ले तो क्या होगा, तब उनको दर्शन प्राप्त हो सकता है। परंतु श्री अद्वैत आचार्य प्रभु अब वो अपराध के लिए क्या है, उनको चरण धूलि लेनी पड़ेगी, तो अद्वैत आचार्य प्रभु तो जानते हैं वो जगत की माँ है, वो कैसे चरण धूलि देंगे, तो अब पूरा उनको लेना भी पड़ेगा तभी महाप्रभु मानेंगे। तो क्या हुआ, श्रीवास आंगन में गए और वहां पर लीला हुई, संकीर्तन हुआ, संकीर्तन करते करते क्या हुआ, अद्वैत आचार्य जी एक मूर्छित जैसी स्थिति में आकर के और क्या हो गया, बेहोश हुए, और वहां की चरण धूलि क्या की सची मैया ने, सर पे लगा। उसके बाद क्या किया, श्री सचिनंदन गौर हरि ने क्या किया, सची मैया को दर्शन दिया, और उसके बाद अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में ही क्या किया उन्होंने, महाप्रभु के लिए क्या बनाई, रसोई बनाई बहुत अच्छे से, और उस रसोई में जो प्रसाद था महाप्रभु ने बड़े प्रीति पूर्वक जो मोच थोड़ ये सब जो है बड़े ही प्रीति पूर्वक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सची मैया के हाथ के प्रसाद को पाया। और ये उन्होंने सिखाया कि हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे हम भजन कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, हमारा अचानक से हरिनाम कम हो गया, कुछ भी हो गया, मन नहीं लग रहा, ऐसे माता जी दिन प्रश्न कर रही थी मेरे से कि प्रभु जी बहुत सारा भजन हो रहा था एकदम से, मैंने कहा विचार करना पड़े कहीं वैष्णव अपराध हुआ, हमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, मैंने कहा फिर भी गुरुवर्ग से वैष्णवों से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि यदि मेरी हरि नाम में रुचि कम हो रही है या मेरा भजन कम हो रहा है, कहीं से भी मेरा मन खराब हो रहा है, इसका मतलब है वास्तविक रूप में उससे क्या हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज की कमी होती है वैष्णव अपराध से, अभी हमको पता तो है नहीं, तो फिर भी क्या करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी। और यदि मुझे कहीं याद आ जाता है किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो हमें उससे क्या करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। हम हमेशा धर्म विचार कर लेते हैं वो क्षमा करेगा नहीं करेगा ये हमारी चिंता नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सहृदय उससे क्या मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो
तो यदि वो सामने से क्षमा नहीं करे तो क्या करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष रूप में पीछे जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी, पर मांगनी पड़ेगी। और जिस दिन हम ऐसा करेंगे, हमारी भजन जो रीति है वो स्वतः ही वैष्णवों की कृपा से क्या होगी, अपने आप सही रूप में चलने लग जाएगी। और जरूर हमसे क्या होंगे, जैसा सचिनंदन गौर हरि सचिन मैया से प्रसन्न हुए, हमसे भी क्या होंगे, एक दिन हमारे सारे अपराध क्षमा करके हमसे भी प्रसन्न होंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। पांचाकल्प जरूर कृपा नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति विधान श्री सर गोस्वामी महाराज जी के सभी चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करना प्रवृत्त करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत करना। मैं इतना तत्व सिद्धांत तो नहीं जानता, बट मैंने जो थोड़ी बहुत कथाएं सुनी है, और सबसे लास्ट में बोलने का यही नुकसान होता है कि जो मैं थोड़ा बहुत जानता था वो पहले बता चुके हैं। लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णव के सिद्धांत रहा है, हमारे परम गुरुदेव का, वो बड़े शासन में कथा बुलवाते थे सब लोगों से, और कहते थे कि अगर कोई भी कथा बोल रहा है तो जिसने पहले कथा बोल दी वो उसको उससे स्पर्श नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे सब हमने गुरुदेव से सुना है कि सब मतलब सब लोगों को लगता था कि मैं कथा पहले बोलूं, तो वहां ऐसी होड़ लगी रहती थी। तो यहाँ तो मेरे साथ थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करता हूँ कि जो हम मंत्र कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, तो ये पंचतत्व मंत्र है, तो ये अद्वैत आचार्य है ना। तो वो बताइए ना, महाप्रभु जी जब इस धाम में आते हैं ना, तो वो कैसे आते हैं? अपने अंग उपंग अपने परिकर और अस्त्र शस्त्रों के साथ आते हैं। तो महाप्रभु के जो अंग कौन है? अंग है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। और उपंग कौन है? गदाधर पंडित श्रीवास, सॉरी श्रीवास और गदाधर पंडित श्री, हाँ सॉरी श्रीवास। और जो उनके परिकर है वो कौन है? श्रीवास आचार्य। ठीक है। और अंग है हमारे, मैंने बताया था नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। उपंग है गदाधर पंडित, और जो श्रीवास आचार्य ये कौन है? पार्षद है। और अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ठीक है। तो जो ये अद्वैताचार्य थे ना, इनकी थोड़ा इनकी लीला बड़ी विचित्र रही है पूरी उसमें। ये जैसे कि हमने सुना उनसे प्रभु जी से, ये नित्यानंद प्रभु जी से और महाप्रभु जी से इनका कलह होता था। कौन सा कलह होता था? ये हास्य प्रयास वाला कलह। जैसे कि हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज और श्रील भक्तिवेदन त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के बीच में होता था, तो उसी प्रकार का इनके बीच में कलह होता था। तो शिक्षा देने के लिए एक बार की बात है कि नित्यानंद प्रभु जी जब इनके घर में आए हुए थे शांतिपुर में, तो क्या करा उन्होंने? प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद उन्होंने जो चावल है उठा के फेंकना शुरू कर दिया, इधर उधर इधर उधर है पूरे घर में, और अद्वैताचार्य के ऊपर भी फेंकना शुरू कर दिया। तो अद्वैताचार्य बिगड़ गए, कह रहे अवधूत क्या करता है? उनको अवधूत बोलते थे। अरे क्या करता है ये, क्या कर रहे हो तू? देखो तुमने पूरा घर मेरा खराब कर दिया है, सब कुछ बिगाड़ दिया है तुमने, मेरे को सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए, मेरे ऊपर डाल दिया है, मुझे स्नान करना पड़ेगा। तो ये वहां पे दिखा रहे हैं कैसे किसकी भांति बोल रहे हैं, ये हम जो बद्धजीव है ना, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वहां देते चाह रहे हैं, बद्धजीव बन के बता रहे कि देखो हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो वहां पे जो नित्यानंद प्रभु जी बोल रहे हैं, कह रहे तो उनको बोल रहे हैं, अरे तुम जानते नहीं हो क्या है? कह रहे महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद की तुम्हें महिमा नहीं पता, तुम कह रहे घर बिगाड़ दिया। कह रहे जहां जहां महाप्रसाद गिरा है ना, तुम्हारा घर पवित्र हो गया है, और तुम्हारे पर गिरा तो तुम भी पवित्र हो गए, और तुम कह रहे हो कि मैं खराब हो गया, मेरे स्नान करना पड़ेगा, तुमने मेरे ऊपर डाल दिया। मनी मन जो आदित्य आ रहे तो खुश हो रहे बड़े, यार महाप्रभु वो नित्यानंद प्रभु जी का महाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है और मैं पवित्र हो गया। लेकिन हम लोगों को दिखाने की जो महाप्रसाद है उसकी क्या महिमा है, जो महाप्रसाद कोई साधारण नहीं है, उसकी महिमा बताने के लिए उन्होंने लीला की। जो महाप्रसाद एक बार महाप्रभु जी के सामने आया था, तो उस महाप्रसाद को देखते ही जो महाप्रभु जी के अष्ट सात्विक
विकार उनके अंदर उत्पन्न हो गए थे महाप्रसाद को देखते, तो वहां पे ऐसी महिमा बताएगी महाप्रसाद की। ऐसा ही उपाय क्या छोटी सी कथा थी जो हमारे परम गुरुदेव थे श्री भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। तो मथुरा की बात है, तो मथुरा में एक बार चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण में सब लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। जब तक चंद्र ग्रहण रहता है नॉर्मली सबको पता है, तो जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ सबके सब लोग कहाँ चले गए, यमुना जी में स्नान करने चले गए जा रहे। तो एक ब्रह्मचारी भी जाने लगा, सब जाने लगे। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं जा रहा हूँ स्नान करने। अरे क्यों, क्या हो गया? अरे भी चंद्र ग्रहण था तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ। तो वहां पर त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे कि तुम अभी चंद्र ग्रहण था मैंने देखा तुम तो हरिनाम कर रहे थे, अब तुम्हें और मतलब हरिनाम से भी कोई और चीज पवित्र कर सकती है क्या, है हरिनाम से भी कोई बड़ी चीज हो गई क्या जो तुम्हें पवित्र करेगी जो तुम स्नान करने जा रहे हो, है ना। तो ये जगत के लोगों के लिए, ये हमें अभी जगत के लोग तो कुछ तो करते नहीं भजन वजन, तो जो उसका जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो अपवित्रता आती है किसको आती है, भक्तों की आती, भक्तों की नहीं आती। लेकिन हमारे क्या है, हमारी नाम में रुचि नहीं है, अभी नाम के प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं है, है ना। तो देखो वैष्णव लोग अरे कैसी कैसी शिक्षाएं देती है, ऐसी ऐसी बात होती है। तो और एक छोटी सी बात और आती है, एक बार जो अद्वैताचार्य थे उनके बहुत सारे बच्चे थे उनके, तो रथ यात्रा का समय था तो वो वहां बैठे हुए थे। तो कुछ भक्त आए अद्वैताचार्य के पास आके पूछने लगे कि अद्वैताचार्य जी हमें एक बात बताओ कि जो महाप्रभु जी थे, महाप्रभु जी है जो, इनके गुरु कौन है महाप्रभु जी के। तो एक व्यक्ति बोल पड़ा, अरे अरे आपको नहीं पता महाप्रभु जी के गुरु है केशव भारती, और उन्होंने उनसे संन्यास लिया है। तो ये सोच सुनते ही जो उनके गोद में छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा, वो बड़ा गुस्सा हो गया और पैर पटक के नीचे उतर गया और बड़ा कांपने लगा देख के, और बड़ा क्रोध हो गया। सब कह रहे क्या हो गया इस छोटे से बच्चे को, से क्या हो गया है, ठीक से टॉपी छीन ले गया, बड़ा गुस्सा हो गया बच्चा। पूछा क्या हुआ, तो अपने पिताजी को कह रहा आप मेरे पिताजी नहीं हो। तो बच्चे सब हैरान हो गए क्या हो गया, कह रहा आप ऐसी बातें सुन कैसे रहे हो, महाप्रभु जी के कोई गुरु हो सकते हैं क्या, महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान है, है? बंदे कृष्ण बंदे जगत गुरु, और उन्होंने शास्त्रों में से छोटे से बच्चे ने बताना शुरू कर दिया। तो वहां जब ये बात सुनी सब लोगों ने तो बड़े हैरान हुए कि छोटा सा बच्चा भी महाप्रभु जी के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा महाप्रभु जी के प्रति। तो वहां तब आदित्याचार्य ने कहा मेरा एक ही पुत्र है, जो मेरा पुत्र है कौन है, जो भक्ति करता है वही मेरा पुत्र है, और बाकी सब पुत्रों को उन्होंने त्याग दिया, तो यही मेरा वास्तव में पुत्र है। और एक बार की बात है कि महाप्रभु जी के पास एक लेटर आया आदित्याचार्य का, उसमें लिखा था, बंगला में लिखा था वो तो मुझे पता नहीं, तो हिंदी में बता दूं कि वो कुछ इस टाइप का लिखा था कि एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है कि अब भैया दुकान अब उठा लो अपनी, अब समय पूरा हो गया है, अब कोई सामान खरीदने वाला नहीं है, कुछ इस टाइप का बोला था। अब चावल अब नहीं बिक रहा, अब अपना जो राशन की दुकान है वो लेके चलो, अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो कोई समझा नहीं हुआ, लेकिन जो स्वरूप दामोदर थे वो उनके पास उनके मनोभाव को जानते थे तो वो तो समझ गए, बाकी कोई लोग नहीं समझे कि क्या लिखा है कि आदित्याचार्य ने कि पागल एक पागल दूसरे पागल को कह रहे, तो कौन से पागल है। तो गुरु जी हमारे जो बताते ना कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का, असली पागल वो है जो पागल है बाकी बिहारी का। तो वास्तव में जो पागल किस चीज के लिए कह रहे थे, वो पागल कह रहे थे भक्ति के लिए पागल, वो एक भक्त दूसरे भक्त को कह रहा है जो महाप्रभु जी के पागल, महाप्रभु जी को बता रहा है कि अब कोई भी संसार में बचा नहीं है, सबको प्रेम धन प्राप्त हो चुका है, कोई नहीं बचा, अब चलो अब अपना समय हो चुका है। तो इसका क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण यह है, एक बार महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से पूछ रहे कि हरिदास ये बताओ कि जो जगत में जो सब लोगों का कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने बताया कि महाप्रभु सब लोगों का कल्याण हो गया जो आपने हरिनाम संकीर्तन करा ना, उससे तो सबका कल्याण हो गया, जिन्होंने नाम लिया उनका भी कल्याण हुआ, जिन्होंने नहीं लिया उनका भी कल्याण हुआ, उन्होंने अपने श्रवण का अपने कान से जो सुना, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबका कल्याण हो गया। तो महाप्रभु ने कहा कि इससे तो अगर सबका कल्याण हो गया तो ये तो पृथ्वी तो पूरी जो है पूरा शून्य हो जाएगी, इसमें तो कोई भी नहीं बचेगा। तो हरिदास स्वामी ने कहा हाँ प्रभु ऐसा ही होगा।
तो वास्तव में ऐसा हुआ था जब महाप्रभु आए थे ना तो पूरा संसार सब शून्य हो गया था। इसकी कृपा से महाप्रभु जी की कृपा से महाप्रभु जी जब आए थे तो सारा ये संसार शून्य हो गया था। तो हरिदास ठाकुर ने यह भी बोला कि महाप्रभु आप अभी तो सब कुछ शून्य हो जाएगा लेकिन बाद में जो कारण दक्षा विष्णु महाविष्णु की कृपा से यहाँ पर दोबारा जीव आ जाएंगे। तो हम जो है ना हम दूसरी पार्टी है, अभी पहली पार्टी जा चुकी है, हम दूसरी पार्टी है अभी, ठीक है। लेकिन बताइए धन्य कलयुग है, हम लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य है ना, अभी हम दूसरी पार्टी वाले भी बहुत देखो कहते हैं हमारे गुरु जी बताते ना जब भगवान राम आए थे तब भी हम आए होंगे, कृष्ण आए थे तब भी हम आए होंगे, लेकिन किसी ने हमें अपनाया, किसने अपनाया हमें, हमारे गुरुवर्गों ने अपनाया, ठीक है। तो बहुत भाग्यशाली है ना, गुरुवर्ग कभी नहीं भूलते। हमारे जैसे परम पूज्य भक्तिदास नारायण गोस्वामी ने क्या बोला था कि जब मेरा कोई भी शिष्य नरक में भी होगा ना तो खींच लाऊंगा, या अगर वो कहीं भी होगा तो जब तक उसका उद्धार नहीं होता मैं आता रहूंगा। हमारे गुरुवर्ग है ना जो बोलते हैं लोग करके दिखाते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक कुत्ता मठ में आ गया और भक्ति विधान श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी वो वहां खड़े थे तो ब्रह्मचारी उसे भगाने लगे। तो वामन गोस्वामी महाराज जी ने नहीं नहीं भगाओ मत, इसे भगाओ मत, आन लो। उन्होंने उसको प्यार व्यक्त किया, उसको जो भी दे रहा था उसको खिला पिला दिया। तो सब लोगों ने कहा महाराज जी आपने ऐसा क्यों करा, कह रहे तुम जानते नहीं हो कि कौन है ये पुरुष जन्म में ब्रह्मचारी था, अरे पुरुष जन्म में ब्रह्मचारी था है। तो देखो गुरुवर्ग ने पहचान लेते हैं, अब हमें भी किसी कारण से कुछ भी बनना पड़ेगा ना हमारे गुरुवर्ग पहचान लेंगे और हमारा उद्धार करेंगे करेंगे। मेरे को जब मैं कथा सुन रहा था ना मुझे एक बात याद आ गई थी, एक बार मैंने देखा था गुरुदेव की एक वीडियो आई थी तो बड़ौत में, तो गुरुदेव लंगूर की पूंछ खींच रहे थे वो वीडियो हमारे जो राधारमण प्रभु जी ने उन्होंने सब जगह शेयर कर दी। तो मेरे को देख के आ रहा है, मैंने कहा ये भी पूरे जन्म में ब्रह्मचारी होगा ये बात नहीं बनता होगा, हमारे गुरुदेव उसको दंड दे रहे। तो ये सी बात है, तो हम जो लोग है ना बहुत भाग्यशाली है। छोटी सी बात नहीं बता के बस खत्म करता हूँ कि हम लोगों को जो समय मिला है हमारे गुरुवर्ग मिले हैं और जो समय मिला है इसको ज्यादा से ज्यादा गुरुवर्ग की सेवा में हम लगाए और अद्वैताचार्य की कृपा से हम जो थोड़ा बहुत भजन कर पा रहे हैं। वैष्णव के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर ब्रह्मानंद देव की जय। 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 ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर इधर ही आ जाओ, बस सारे नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहितों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मित्रीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिक्षण भक्ति विधान श्री बामन गोस्वामी महाराज जी के भी अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी भी अहित कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपान गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूज्य पाठ श्री भक्ति विधान श्रीराम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे ब्रह्मचारी वैष्णव माताएं दीदी प्रभु लोग सभी के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, हमें ही नहीं पता था आज अद्वैत आचार्य की थी महाराज जी आएंगे और कथा होगी। ये अद्वैत आचार्य की विशेष कृपा है, उनकी विशेष कृपा है। हम बैठ कर उनकी महिमा श्रवण कर रहे हैं, कल तक हमें भी नहीं पता था। महाराज जी का 8-9 बजे फोन आया कि हम नोएडा आएंगे और कल तिथि मनाएंगे, लोग आएंगे। मैंने कहा महाराज जी आएंगे, निश्चित ही आएंगे। तो अद्वैत आचार्य की तिथि जो मनाई जा रही है यहाँ पर और हम इतनी कथा सुन रहे हैं वो कितने दया में, क्योंकि वही हमने सुना अभी चैतन्य महाप्रभु को जगत में वही महाप्रभु को कौन लेकर आए, अद्वैत आचार्य। और अभी महाप्रभु का जन्मदिन आविर्भाव तिथि आने वाली है, पहले उससे पहले नित्यानंद आएंगे, उससे पहले अद्वैत आचार्य। जैसे महाराज जी बता रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी सुख पार्षद सुवे धाम सदा अवतारी। भगवान जब जगत में आते हैं अपने धाम को अपने परिकरों को अपने गुरुवर्गों को लेकर जगत में आते हैं और करे दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा वाले पाई चैतन्य निताई। जब तक अद्वैत आचार्य कृपा नहीं हो सकती तब तक नित्यानंद महाप्रभु को हम कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग अद्वैत आचार्य कृपा प्राप्त इतने दया में हैं, हम उनकी कथा सुन रहे थे और जो भी इच्छा हो
क्योंकि हम लोग अभी चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर लीला है अद्वैताचार्य की। मैं भी इतना मैंने देखा था सुना था जब वो महात्मेंद्रपुरी पास से मिले और कैसे वो क्रंदन कर रहे, दोनों आलिंगन कर रहे हैं और रो रहे हैं, वैष्णव को वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनके अंदर क्या प्रेम है, और उन्हें महात्मा से बहुत सुंदर सुंदर वार्तालाप हाँकी है। और उनको अभी हम न्याय स्पर्श नहीं करेंगे, सिर्फ मूल एक दो शिक्षा बोल देंगे क्योंकि माता जी बोली है अभी, अभी तो प्रभु जी बोलेंगे। ये बोला सही बात है, आप लोग आए थे दो प्रसादी पाना है, गलत ज्यादा नहीं, पर मैं एक दो बात बोल देता हूँ। जो भी इच्छा करोगे ना आप बैठ के यहाँ पर, वो अद्वैत आचार्य पूर्ण करेंगे क्योंकि उन्होंने सबकी इच्छाएं पूर्ण की है। जब महाप्रभु आए नहीं थे जगत में, सब नवदीप वासी बड़े दुखी थे जैसे महाराज ने बताया, तो और वो तिलक लगाते थे, नाम करते, सब उनका हास प्रयास उड़ाते थे। तो अद्वैत आचार्य उस समय बहुत सीनियर थे वहां पर, सबसे सीनियर भक्त थे और वो एक दो ही गिने चुने भक्त थे। तो अद्वैत आचार्य के पास वो सब भक्त लोग मिलके गए, तब उन्होंने क्या कहा, प्रभु यहाँ सब लोग नास्तिक है, कोई भी भक्ति करता नहीं है और सब लोग हास प्रयास मजाक उड़ाते हैं, हम लोग करते। तो अद्वैत आचार्य को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो क्या सदाशिव है, रुद्र अवतार भी है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरा नाम अद्वैत नहीं, जो मैं स्वयं सचिदानंद गौर हरि, स्वयं हरि को जगत में अवतरण कराऊंगा। अब जो लोग नास्तिक है, जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग मिलके असुर सुर देवता मनुष्य सब लोग हरि हरि बोलेंगे, और मेरा नाम अद्वैत नहीं, उन्होंने वचन दिया था। दूसरा, जो भी जिसने भी इच्छा की, उन्होंने सब इच्छा को पूर्ण किया। एक तो इनके गुरु थे जो जिनके साथ विद्या अध्ययन करते थे, इनका नाम था वागीश, नाम कुछ ऐसा नाम था, याद नहीं आ रहा। उधर क्या था, गुरुजी से उन्होंने अध्ययन किया तो गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे रहा था उनको। गुरुजी क्या दक्षिणा दे, गुरुजी ने कहा ये कमल कितना सुंदर खिला हुआ है, बहुत खाई झील थी और उधर कमल खिला हुआ था, और कमल में उसमें बहुत सारी सांप आप आदि आदि जहरीले सांप भी थे। बस गुरुजी ने इच्छा की और ये इनका नाम था कमलाक्ष। कमलाक्ष किसका नाम है, जैसे बता रहे भगवान विष्णु का नाम कमलाक्ष है, कमल जिसके जैसे कमल अक्ष, कमलाक्ष कमल जैसे निकल जिनके। बस गुरुजी ने इच्छा की और इन्होंने तुरंत जाके क्या किया, पानी पे चलते 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 उस कमल को काटे और सांपों के बीच तोड़ के ला दिया। गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए, जिनसे वेद अध्ययन इन्होंने किया था, तो उन्होंने इससे कहा ये कोई साधारण जीव नहीं है। इससे पहले भी इनके जो पिताजी थे राज दरबार में गए, जो महाराज जी ने शायद कथा बोल दी और बोले देवी को प्रणाम करो, तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। फिर राजा जब राजा क्रोधित हो गया तो पिताजी ने डांट लगाया, प्रणाम किया, देवी की मूर्ति फट गई। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं कौन है, पंच तत्वात्म कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम भक्त्यर्थम नमामि भक्ति सस्तिकम। पांच रूपों में भगवान विलास करते हैं, जैसे चैतन्य चरितार्थ में बताया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और स्वयं नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य के महाविष्णु के अवतार गदाधर राधा रानी स्वयं और श्रीवास नारद जी हैं, और आदि आदि भक्त वृंद है जो सभी रूप में महाप्रभु जगत में आए। और महागुरु हमें महाराज जी शांति को ले जाते हैं, जो भी वहां जाएंगे ना सच में शांति का स्थान है। उन शांति किसके हृदय में शांति है, कहते जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है उसी के हृदय में तब प्रसादा परा शांति, वही जीव को शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग भी आज शांतिपुर धाम में मानसिक रूप में चलते हैं, और यहाँ पर मैं वक्तव्य को रखता हूँ। बस एक अनाउंसमेंट है, अभी परसों 21 तारीख को, अभी 14 फरवरी को हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा हमने मनाई नोएडा में, हमें बड़ा सौभाग्य मिला। उसमें बहुत सारे भक्त लोगों ने हमें, पूरे नोएडा के भक्त, बाहर के भक्त लोगों ने बड़ी सहायता की है, और सभी लोग महाराज जी बड़े प्रसन्न है, पूज्य माधव महाराज जी बड़े प्रसन्न है, पूज्य बन महाराज जी प्रसन्न है। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य क्या है, हरि गुरु और वैष्णव हमसे प्रसन्न हो। कोई भी कार्य आप करें और ये तीन लोग प्रसन्न हो जाए, हरि गुरु और वैष्णव, तो कार्य सफल माना जाता है। और हम इसी आशा के साथ हर कार्य करते हैं। अभी मोहन नगर में महाराज जी का एक और प्रोग्राम है, हमारे गुरुदेव की तिथि मनाएगी, वहां भी बहुत सारे भक्त लोग आएंगे। आप सबसे निवेदन है, संडे रविवार का दिन है, सभी लोग, वो प्रोग्राम दिन का है, शाम का है, सुबह 9 बजे से हम कीर्तन करेंगे, जो लोग आ सकते हैं 10 बजे तक सभी लोग वहाँ पहुंचे, अच्छा होगा क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलेगा। ये सत्यवार्षिक है तो गुरुदेव की महिमा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से, हम लोग तो भक्त लोग एक दिन पहले चले जाएंगे और तैयारी करेंगे, आप लोग पीछे से आ सकते हैं, जिसको जैसे हम बता देंगे एड्रेस कैसे, और वहाँ पर सभी लोग इस
मेरा निवेदन है आपके चरणों में सभी लोग इसमें भाग लीजिए और अपने साथ दो दो भक्तों को लेके आएंगे क्योंकि वहाँ स्थान बहुत है बैठने का, चिंता नहीं करो। और बहुत सुंदर शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर क्या क्या बना रहे हैं कल हम वीनू को बताएंगे। एड्रेस ओम साई वाटिका, ओम साई वाटिका मोहन नगर है, ये हिंडनपुर स्टेशन के पास है, करेड़ा कॉलोनी है, उसका लोकेशन अभी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे ग्रुप पे। अभी आकर कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ। बोलो अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, शांति गुरु धाम की जय, जय सचिनंदन गौर हरि की जय। नोएडा में, नोएडा में, नोएडा में जितना सुंदर प्रोग्राम हुई है, जितना सुंदर और जितने भक्त लोग यहाँ पर आए ना, इतना सुंदर तो कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है अब तक का सबसे। अब तक मुझे लगता है इसका आगे भी कोई इतना बड़ा प्रोग्राम कर ही नहीं सकता। मोहन नगर भी हमारी प्रोग्राम है, वहाँ पर हमारी वहाँ पर फील्ड है। फिर आप सभी लोग अपना अपना, जैसे कोई कोई बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेना सबके साथ, इसमें एक एक में दस 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 भक्त बैठ सकता हूँ, सबके लेकर के सबके सब सवेरे 9 बजे पहुंच जाना, गुरु जी कथा सुनना, प्रसाद बना और तीन में प्रोग्राम, प्रतिदिन 12-1 बजे अंदर में समाप्त हो जाएगी, फिर प्रसाद पाकर आसन से हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। आप लोग सबके सभी प्रसाद पाकर के जाइयो आज अद्वैत आचार्य की अतिथि में, क्योंकि सब अद्वैत जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, भगवान ही, इसलिए हम लोग फलाहार करते हैं। उसी तरह अद्वैत मतलब भगवान से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत आचार्य के लिए अभिन्न कि भगवान स्वयं है, इसलिए इनके उत्सव में हम लोग एकादशी जैसे हम लोग व्रत रखते हैं। आप सभी के लिए प्रसाद का व्यवस्था जीत प्रभु ने करवाया, बड़े सुंदर पकौड़ा बन रहे हैं, गरम गरम रोटी बनाए, मूंगफली सब्जी बनाए हैं, आप लोग सबके सब प्रसाद लेकर के ही जाना। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल 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 हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, बोल श्री सीता ठाकुरानी की, सपरिकर गौर हरि की, बोल श्री गुरुपाद पद्म की, श्रीला प्रभुपाद की, नैडावासी भक्त वृंद की, आए हुए सारे भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल प्रसाद की सबके सब।